देखिए आज झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची सांसद संजय सेठ जो हैं काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं। यहाँ पे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं। देखिए टीका लगा रहे हैं, हम बात करेंगे। नतीजे आज आने हैं, संजय सेठ जी क्या उम्मीदें हैं, कितनी सीटें आ रही हैं एनडीए को? आज देखो, आज झारखंड के लिए बहुत शुभ दिन है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकास डबल इंजन के रूप में यहाँ स्थापित होने वाला है। और आज अलग राज्य बनने के बाद पहली बार किसी भी दल को पूर्ण बहुमत आने वाला है और आज भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत होने वाला है। आज की सुबह बहुत सुहानी और बहुत सुंदर है, ठंड भी है लेकिन सूरज उग गया है। अच्छा, ये बताइए किस आधार पर कह रहे हैं कि पूर्ण बहुमत आने वाला है? अब देखो, जनता जो है परिवर्तन के मूड में थी और आप सब भी घूम रहे थे, हम सब भी 2 महीने तक लगातार घूम रहे थे और जो परिवर्तन की जो लहर चली उसका परिणाम है कि सूबे की 3.5 करोड़ की जनता अब भारतीय जनता पार्टी के विकास पर मुहर लगाई है। जेएमएम के तरफ से तो बकायदा सूची जारी की गई कि 59 सीटें हम लोग जीत रहे हैं। देखो, कोई नींद से उठ के आ जाए और सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाए तो उसका दिमागी दिवालिया पर है ना। तो जिस तरह उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी सीटों पर, फिर तो चुनाव की आवश्यकता नहीं थी। तो जिस तरह, ये तो कह सकते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, उनके सपने सिर्फ 3 घंटे के अंदर ध्वस्त होने वाले हैं। कौन सीएम बनेगा? देखो ना, एबीपी न्यूज तय करेगा ना, हम तय करेंगे। मैं तय कर लिया है, विधायक बैठेंगे, विधायक अपना नेता चुनेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बनेगा। जेएमएम ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र लिखा है और कहा है कि उन लोगों को जानकारी मिली है कि झारखंड के हर मतगणना केंद्रों के आसपास बीजेपी ने बाहरी राज्यों से आए कई उच्च प्रशिक्षित इलेक्ट्रॉनिक विशेषज्ञों को, जो आधुनिक उच्च तकनीक युक्त गैजेट जैसे लैपटॉप वॉकी टॉकी इत्यादि से लैस है, उनकी मौजूदगी की व्यवस्था कर रखी। मतलब क्या ईवीएम पर हार का ठिकड़ा फोड़ा जाए उसका ये तैयारी? तो पूर्व की जो कहते हैं ना प्रैक्टिस मैच, तो तैयारी है। अब तो नया सगुफा हो गया साहब, हमने तो पहली बार सुना कि मतगणना के 2-3 किलोमीटर के नेट सेवा बंद कर दिया है। यही लोग हैं जब हमारे नौजवान, हमारे युवा कल के झारखंड जब एग्जाम देने जा रहे थे तो रांची में 2 दिनों तक इंटरनेट बंद था। ये तो अजीबोगरीब लोग हैं यहाँ पर। अब बताओ, मतगणना के अगल बगल 2 किलोमीटर एरिया में इंटरनेट बंद कर देना, हैकर्स आ गए हैं, यहाँ कहाँ की सोच है भाई? ये तो पूरी तरह उन्होंने हार मान लिया और हार का जो कहते हैं ना सिगुफा और छुपाने, हार का शर्म छुपाने के लिए सब बयान देंगे। तो देखिए, ये थे बातचीत करते हुए संजय सेठ, जिनका साफ तौर से कहना है कि पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार झारखंड में आने जा रही है। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज रांची।